हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा ही बताइए, हम सबको पूरे भारत को ढेर सारी बधाइयाँ। नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जीत लिया है। उन्होंने जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में 87.58 मीटर की लंबाई के साथ में यह स्वर्ण पदक भारत की झोली में डाला है। इसके साथ ही भारत की झोली में कुल मिलाकर 7 पदक हो गए हैं, मतलब 7 मेडल। और अब तक किसी भी ओलंपिक में भारत की तरफ से जीते गए सबसे ज़्यादा पदक हैं, यानी 7 पदक। और ये 7 मेडल टोटल हुए इस 2021 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। और नीरज चोपड़ा ने अपनी जीत श्री स्वर्गीय मिल्खा सिंह जी को समर्पित किया है और उन खिलाड़ियों को समर्पित किया जो मामूली अंतर से पदक जीतने से चूक गए। तो आप सबको हमको ढेर सारी बधाइयाँ और कॉन्ग्रेचुलेशन ये गोल्ड मेडल जीतने के लिए। और हम इस उम्मीद के साथ में अगले ओलंपिक में इससे भी ज़्यादा मेडल भारत जीतेगा। तो ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं शहजाद खान, जय हिंद। From the simply outstanding venue, the National Stadium of Japan. Thank you to the athletes.